गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता को पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी बोल रहे हैं, यहाँ कर्ण के वे मानवीय दृष्टि को, जो कर्ण का जो मानवता के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे उजागर कर रहे हैं। उनके अनुसार अगला जीवन किस लिए भला, तब वो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू मैं। यहाँ पे द्वेषांत मतलब होता है कि बदले की भावना में अंधा हो जाए, तो यहाँ पे कर्ण बोल रहे हैं कि बदले की भावना में अंधा होकर मैं क्यों अपने इस जन्म को बिगाड़ू और साथ ही अपने कर्मों के द्वारा अपने अगले जन्म को भी बिगाड़ लूँ। इस जन्म में जो हुआ हुआ, अपने कर्मों का फल मैं अगले जन्म में क्यों भोगूं, और एक मनुष्य को मारने के लिए मैं सांपों की शरण में जाके एक सर्प बन जाऊं, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और एक सामान्य मनुष्य की ही भांति अपने बाहुबल पे भरोसा करके मैं अपने शत्रु अर्जुन को मारूंगा। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। यहाँ पे वो अश्वसेन को भगा रहे हैं, बोले कि यहाँ से भाग जाओ, तुम तो सर्प वैसे ही मनुष्य के शत्रु होते हैं और मैं भी एक मनुष्य हूँ और तुम मेरी मित्रता कभी नहीं पा सकते। मैं किसी भी प्रकार से यह कलंक अपने माथे पे नहीं लगने दूंगा कि मैंने अपने धोखे से अपने शत्रु को मारा है, मैंने एक सर्प की सहायता लेके अपने शत्रु का वध किया है, यह कलंक मैं अपने सिर पर कभी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं मानवता के प्रति इस अपराध को नहीं होने दूंगा। मैं मानवता को सबसे बड़ा, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ, और यह ऐसा सर्प की सहायता लेके शत्रु को मारना यह मानवता के प्रति घोर अपराध होगा। अब आप लोग प्रस्तुत पंक्तियों की सविस्तार व्याख्या करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करो।